भारत को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने एक बार फिर माना है कि चीन को साधने के लिए भारत का साथ जरूरी है। हुआ यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनका देश अनुचित आर्थिक व्यवहार, ताइवान में शांति और सुरक्षा के लिए चीन के खिलाफ खड़ा है और भारत जैसे सहयोगियों के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहा है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका दुनिया में बादशाहत के मामले में चीन के सामने कमजोर नहीं पड़ेगा और इसके लिए सहयोगियों को साथ लेकर चलेगा। नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में बाइडेन ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ प्रतिस्पर्धा चाहता है, न कि टकराव। उन्होंने अमेरिकियों से कहा कि अमेरिका चीन के खिलाफ 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा, हम चीन के अनुचित आर्थिक कदमों और ताइवान क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए उसके खिलाफ खड़े हैं और साथ ही सहयोगियों और प्रशांत क्षेत्र के देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत बना रहे हैं। बाइडेन ने कहा, वर्षों से मैंने अपने रिपब्लिकन मित्रों और कई दूसरे लोगों से सुना है कि चीन आगे बढ़ रहा है और अमेरिका पीछे जा रहा है, लेकिन ये उल्टा है, अमेरिका आगे बढ़ रहा है। बाइडेन ने कहा, मेरे सत्ता में आने के बाद से हमारी जीडीपी बढ़ी है। पिछले एक दशक में चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा सबसे निचले स्तर पर है। मैंने ये सुनिश्चित किया है कि सबसे उन्नत अमेरिकी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल चीन के हथियारों में ना किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हम चीन या किसी भी अन्य देश के खिलाफ 21वीं सदी की प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए मजबूत स्थिति में हैं।